ये देखिए दोस्तों, ये हमारा बेसन का हलवा बनकर के रेडी हो चुका है। और कितना ज़्यादा सॉफ्ट और हमारा गुई हलवा बनकर के रेडी हुआ है। अगर आपने इस हलवे को बनाया और खाया ना, तो आप दुनिया का सारा हलवा भूल जाएंगे दोस्तों। इतना ज़्यादा यम और टेस्टी हलवा बनता है। तो इस हलवे के बनाने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना पड़ेगा, ताकि आप अच्छे समझ पाएँ और बना पाएँ। तो बिना किए देर रेसिपी को शुरू करते हैं। बेसन का हलवा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, पहले उसे देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप बेसन लिया है, 1/4 कप मैंने देसी घी लिया है, 1 कप मैंने दूध लिया है, 1/2 कप मैंने चीनी लिया है, ड्राई फ्रूट्स में मैंने कुछ कटे हुए काजू लिए हैं, थोड़ी सी मैंने किशमिश ली है और कुछ कटे हुए मैंने बादाम लिया है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सबसे पहले गैस चलाऊंगी, उस पर कढ़ाई चढ़ा दूंगी। जैसे ही कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाए, उसमें घी डाल दूंगी। घी के गर्म होते ही उसमें सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करूंगी अच्छी खुशबू आने तक। जैसे ही हमारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे, उसको निकाल दूंगी। तो यहाँ पर अच्छी खुशबू आने लगी है, तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट अच्छे से रोस्ट हो चुके, मैंने उसको निकाल दिया है। अब सेम घी में यहाँ पर मैं बेसन को रोस्ट करूँगी। तो यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आती है, बेसन को रोस्ट करना। नॉर्मली जो हम लोग हलवा बनाते हैं सूजी का या गाजर का, उससे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हमारा हलवा बनता है बेसन का, क्योंकि यहाँ पे बेसन को भूनना सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। अगर बेसन अच्छे से नहीं भुनेगा तो हमारा बेसन बहुत ही ज़्यादा कसा हुआ लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा हलवा। तो यहाँ पे बेसन एकदम भूनना है, मतलब गोल्डन ब्राउन भूनना है, अच्छी खुशबू आने तक भूनना है। जैसे हम बेसन की मिठाई या लड्डू बनाते हैं ना, बिल्कुल उससे एकदम डिफरेंट, मतलब एकदम लाल होने तक भूनना है, अच्छी खुशबू और एकदम कलर चेंज होने तक भूनना है। तो यहाँ पर इसको कम से कम 15 से 20 मिनट लगते हैं इसको भूनने में। एकदम धीमी आंच पे हल्का हल्का करके भूनना है और कंटिन्यूसली चलाना है, ताकि नीचे से लगे भी नहीं और ये भूनते भी रहे। तो आप देख सकते हैं कुछ देर बाद इसका कलर चेंज होने लगा है। उसके बाद जब ये अच्छे से भून जाएगा, तब इसमें हम यहाँ पे चीनी डाल करके इसको थोड़ी देर हम भूनेंगे। फिर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके इसको हम मिक्सअप करेंगे। बहुत लोग बेसन के हलवे में क्या करते हैं, सूजी भी डालते हैं, पर मैं यही आपको सजेस्ट करूँगी सूजी ना डालें, क्योंकि सूजी डालने के बाद फिर फ़ायदा नहीं होगा, बेसन के हलवे का कोई मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पे नॉर्मली अगर बेसन का हलवा खाना चाहते हैं तो सिर्फ निशान बेसन से ही बनाएं। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके पहले इसको गुटलियों से हम फ्री कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे सारे दूध को डाल करके और जो हमने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट किया था, वहाँ आधे ड्राई फ्रूट्स को डाल करके हम यहाँ पर मिक्सअप कर लेंगे। आधे ड्राई फ्रूट्स को मैंने गार्निश के लिए रखा है। और मिक्स करने के बाद इसको हम धीमे धीमे करके इसको पकाएंगे। और आप देख सकते हैं ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लगा है, और इसको तब तक पकाना है जब तक ये पैन छोड़ने ना लगे, इतना इसको पकाना है। तो आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे गाढ़ा होने लगा है, पहले से ये पकने लगा है अच्छे से, और धीरे धीरे ये पैन भी छोड़ने लगेगा। तो टोटल ये 5 मिनट में धीरे धीरे ये पैन भी छोड़ने लगेगा, अपने आप गाढ़ा होने लगेगा, हलवे की कंसिस्टेंसी आने लगेगी। और आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस हमारा हलवा बन करके रेडी हो रहा है, और इसका कंसिस्टेंसी भी थिक होने लगा है। और इसको धीमी आंच पे इस तरीके से पकाते रहना है। और आप देख सकते हैं हमारा हलवा बन करके रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैं कर रही हूँ गैस को बंद, और ये हमारा हलवा बन करके रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और हमारा गुई हलवा बन करके रेडी हो चुका है। तो मैं इसे प्लेट में सर्व कर रही हूँ, और बहुत ही डिलीशियस हलवा बन करके रेडी हुआ है। और इसे मैं गार्निश कर रही हूँ जो हमने रोस्ट किया है ड्राई फ्रूट्स के साथ। और आप जब भी आपके घर में मेहमान आए, बच्चे हों या बड़े बूढ़े हों, उनको आप ये हलवा खिलाएं, यकीन मानिए दोस्तों आपको ये हलवा बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा लगा आपको ये हलवे की रेसिपी, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कैसा लगा वीडियो। बहुत अच्छा लगा तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे क्लिक करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तभी के लिए बाय बाय।